असल नाजरीन मैं हूँ अमार खान यास हमारे साथ मौजूद हैं हिशाम इलाही जहीर साहब बहुत शुक्रिया सर एक बंदा है मेरे जैसा जिसको कोई बीमारी नहीं है लेकिन वो चाहता है कि मुझे मुस्तकबिल में कोई बीमारी आए भी ना अल्लाह उससे हिफाजत करे बचाए तो उसके लिए कोई वजीफ़ा मैं आपको उसके लिए एक बड़ा मुजर्र वजीफ़ा बताना चाहता हूँ कि अगर किसी बंदा बीमार नहीं है वो चाहता है मुझे रिजक मिले वो चाहता है मुझे ये घर मिले हर तमाम हर चीज़ के लिए उसके लिए ना एक बेहतरीन वजीफ़ा इसमें आदम का नबी करीम सलम ने फरमाया इसमें एक ऐसा नाम है कि जिसके जरिए मांगा जाए तो अल्लाह फौरी इनायत करता है वैसे तो दुआ के तीन नतीजे हैं अल्लाह या फौरी देता है या उसके बदले में कोई हादसा डालता है या क्या होता है तो इंसान ये क्यामत वाले दिन ख्वाहिश करेगा कि मेरी कोई दुआ अल्लाह कबूल ही ना करता लेकिन जो इंसान ये चाहते हैं दुनिया में दुआ कबूल हो तो नबी करीम का इसमें आजम एक ऐसी चीज़ है जो अल्लाह को वास्ता ही है जो उसके नाम का तो अल्लाह तला दुआ कबूल करता है और नबी करीम सल्ला ने बता भी दिया इसमें आदम सूरत बकरा में है सूरत तहा है तो सहाबियों ने अखज ये किया कि वो क्या अल्लाहयम अलफिलाम अल्हल क्यूम वनाजूहुल हय्यल क्यूम तो गोया इसके अंदर अलय अल्कयम लफज कौमन तीनों सूरतों में तो अक्सर ने यह इस्तलाल किया शायद इसमें आजम ये है तो इस हवाले से मेरे जो नाना थे आफद मोहम्मद वो ये बयान किया करते थे कि इसमें आदम का जो बंदा वजीफा करना चाहता है ना वो इस तरह पढ़ा करे हाली है हयल क्यूम नहीं बिस्मिल्लाम अलीम या वाहिद याल जलाली क्राह या वाहिद याद जलाली क्राह ये जो बंदा तीन सौ तेरह मरतबा मार भाई पढ़ के दुआ करता है ना तो इसमें आदम का वसी को दे के दुआ करता है तो किसी भी काम के लिए ये अगर दुआ करेगा इन कबूल होगी जी लामा साहब बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए तो यकीन ऐसे वजाइफ़ हैं जो इंसान को अमली जिंदगी के अंदर बहुत ज़्यादा फ़ायदा देते हैं और सबसे बड़ा इनका फ़ायदा यह है कि इंसान जैली पीरों फकीरों के पास जाके अपना ईमान डबोने का जिसका ख़तरा है वो उससे जा, टल जाता है बहुत शुक्रिया अलग